नेटफ्लिक्स पे मौजूद टॉप 5 थ्रिल फिल्में कौन सी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जुआल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 थ्रिलर फिल्मों की। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है स्पेशल 26 का। कमाल का डायरेक्शन है, लाजवाब एक्टिंग है, इसीलिए फिल्म को पॉपुलर बनाता है। ए वेडनेसडे जैसी जबरदस्त फिल्म से चौंकाने वाले निर्देशक नीरज पांडे की फिल्म स्पेशल 26 80 के दशक में घटी कुछ ठगी की घटनाओं को दिखाता है जिस पर यह आधारित है। उस दौर में संचार के साधन इतने सशक्त नहीं है, इसीलिए ये घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं अंजाम लेती हैं। काला धन जमा करने वाले नेताओं और व्यापारियों के यहाँ कुछ लोगों का एक गैंग नकली सीबीआई ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर छापा मारता है और नगद गहने जब्त कर लेता है। बात इसीलिए बाहर नहीं आती क्योंकि शिकार खुद अपराधी है, वो मन महसूस कर रह जाता है। इन चालाक अपराधियों को स्पेशल 26 में हीरो बनाकर पेश किया गया है क्योंकि वो एक तरह के रॉबिन हुड है जो अमीरों का पैसा लूटते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो गरीबों में पैसा नहीं बांटते। स्पेशल 26 एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। यहाँ चोर और पुलिस दिमागी चालों से एक दूसरे का सामना करते हैं। अगला नंबर आता है इस लिस्ट में मिशन ओवर मार्स का। ये सीरीज 2019 में आई एक हिंदी भाषा की सीरीज है जिसे बनाया है एकता कपूर ने और इस सीरीज की मुख्य भूमिका में दिखाए गए थे साक्षी तंवर, मोना सिंह, निधि सिंह और पालोमी घोष। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कहानी चंद्रयान 2 के मिशन को दर्शाती है जिसके 4 बुद्धिमान औरतें साथ आकर जिसमें काम करती हैं और इस मिशन को अंजाम देती है। इस सीरीज में मोना सिंह, साक्षी तंवर की खूब तारीफें की गई, दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपना पात्र बखूबी निभाया था। अगर आपको मिशन मंगल जिसमें मुख्य भूमिका दिखाई गई थी अक्षय कुमार और विद्या बालन की, अगर वो फिल्म पसंद आती है तो बेझिझक मैं ये बात कह सकती हूँ कि आपको ये सीरीज भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तीसरे नंबर पर है द फाइनल कॉल, 2019 में आई थी। ये एक भारतीय वेब सीरीज टेलीविजन रोमांचक सीरीज है जो कि 2015 में आए एक उपन्यास पर आधारित है जिसका शीर्षक था आई विल गो विद यू द फ्लाइट ऑफ ए लाइफ टाइम, जिसकी लेखक थी प्रिया कुमार। इस श्रृंखला की कहानी फ्लाइट के यात्रियों और पायलट के ऊपर आधारित है जो मुंबई से सिडनी तक का सफर तय करते हैं और उसी यात्रा के दौरान पायलट आत्महत्या करने की सोचता है जिसकी वजह से सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है काली। ये एक बंगाली सीरीज है जिसमें मशहूर बंगाली अभिनेताओं जैसे पाउमी डैम, राहुल बैनर्जी और शांतिलाल मुखर्जी ने मुख्य किरदार निभाया है। इसके निर्देशक है कोरोक मुर्मू। सीरीज को रिलीज किया गया था 13 नवंबर 2018 को। इस सीरीज की कहानी एक मजबूर माँ की कहानी को दिखाती है जो अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए की उसे ज़रूरत है और 12 घंटे में उसे ये पैसे जमा करने हैं। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हद तक गुजर जाती है। ये एक्शन और थ्रिलर शो एक औरत की ताकत को भी दर्शाता है। जिस तरह पाउमी डैम ने एक असहाय माँ का किरदार किया है वो वाकई बेहद प्रशंसनीय है। पांचवें नंबर पर आती है स्टेज ऑफ सीज। ये एक वेब सीरीज है जिसके निर्माता Z5 है। ये सीरीज संदीप उन्नीथन के एक उपन्यास पर आधारित है जिसका शीर्षक है ब्लैक टॉर्नेडो। इस श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाई है अर्जुन बाजवा, अर्जुन बजवलानी, विवेक दहिया और तारा अलीशा बेरी ने। इस सीरीज की कहानी 26/11 में हुए होटल ताज में हुए NSG द्वारा प्रतिशोध के ऊपर निर्मित है जिसमें 164 के ऊपर जाने गई थी और लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये एक दर्दनाक हादसा था जिसे इस कहानी के जरिए लोगों को वापस से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगती है? अब अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा और देखिए तो मुझे बताइए कि कौन सी सीरीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।